हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे दो दो शब्दों को लेकर के और कुछ और स्ट्रक्चर है। पहले तो मैं अपने हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ जो बेस्ट तरीका हो सकता है। अब जैसे आप देखिए, अब मान लिया आपको लिखना है अब, तो अलिफ बे जबर अब, रे बे जबर रब और काफ बे जबर कब। देखिए ये शॉर्ट में काफ हो गया, काफ छोटा कर दिया और सीन हो गया, ऐसे कर दीजिए सब। उसके बाद ये चे हो गया और मीम लगा दीजिए तो चम, चे मीम जबर चम, रे है और मीम लगा दीजिएगा तो रम। और देखिए काफ ऐसे लिखते हैं, इसमें मीम लगा दीजिए तो कम। आप क्या देखिए, कम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि काफ और मीम, अब इसको जोड़िए बराबर, काफ शॉर्ट कर दीजिए मीम कम। अब आपको थोड़ा जोड़ना सिखाते हैं। जैसे आपको लिखना है सपोज जम, तो जीम और मीम हो जाएगा और जीम जीम इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से मीम ले लीजिए, हो गया जम। उसी तरह चे और मीम चम, तो चे और मीम मिला दीजिए, हो गया चम। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको कॉपी में लिख के। और राम रे मीम जबर रम, जे मीम जबर जम, जम जम जैसे बोलते हैं, जम जम का पानी पीते थे, जम जम बड़ी जे लग जाएगा। उसके बाद अब आपको मान ली लिखना है जा, तो जीम अलिफ जबर जा, कैसे लिखेंगे जा एक सेकेंड। जैसे आप ये देखिए जीम अलिफ जा, अब बराबर इसको ऐसे कर दीजिए जा, चे अलिफ चा, बराबर ऐसे कर दीजिए चा। अगर आपको चाचा लिखना है तो चाचा कैसे लिखाएगा, तो जैसे आपने लिखा चे और अलिफ, अब बराबर चे छोटा कर दीजिए और चे अलिफ ये हो गया, चे में जुट गया चा, तो चाचा कैसे होगा चा चा। अब आप देखिए कब लिखा था आपने काफ बे, इसको कैसे लिखेंगे कब, आ ते तक, ते शॉर्ट करिए, ये ते है छोटा सा, कब तक। अब आप कब तक कैसे लिखेंगे, देखिए कब तक, तो अब देखिए एक होता है मद, आ लिखना है तो अलिफ मद जबर आ, ये मद है। आपने तीन चीज सीखा था अलिफ जबर अ, अलिफ जेर ए, अलिफ पेस ओ, और ये है अलिफ मद, इसका मतलब होता आ, अलिफ मद जबर आ। अब आप समझिए कैसे होगा। अब आपको लिखना है